अध्यक्षता अभाकम की जिलाध्यक्ष सह पूर्व डिप्टी मेयर अखौड़ी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने किया, जबकि मंच संचालन युवा महानगर अध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ गौरव सिन्हा एवं राजेश सिन्हा ने किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अभाकम के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनीष आनंद एवं युवा प्रदेश अध्यक्ष रोहित कुमार उपस्थित हुए। उस दौरान सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के आयोजन से हम सभी चिंतरास एकजुटता के साथ भाईचारा बढ़ती है। आज इस मिलन और अभिनंदन समारोह में संगठनात्मक मजबूती पर भी बल दिया गया। संगठन और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कई पदाधिकारी को महत्वपूर्ण पद देकर जिम्मा सौंपा गया है, ताकि हमारे संगठन और समाज और मजबूत हो। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी जितनी आबादी जितनी भागीदारी भी मिलना चाहिए, इसलिए समाज और संगठन को मजबूत आपसी भाईचारा से मिल सकता है। एकजुटता ही हमारी पहचान है, इसलिए इसे बरकरार रखें। मौके पर प्रोफेसर रंजीत वर्मा, जिला महामंत्री विपिन सिन्हा, कोषाध्यक्ष मुकेश वर्मा, जिला युवा अध्यक्ष विष्णु कुमार सिन्हा, युवा महामंत्री अमित कुमार सिन्हा, राजीव कुमार, विकास रंजन दफ्तुआर, डॉक्टर मनोज कुमार उपाध्यक्ष, उपेंद्र कुमार सिन्हा, जिला महानगर अध्यक्ष गौरव सिन्हा, सुनील कुमार सिन्हा, राजेश सहाय, नवीन बिहारी उर्फ झुन्नू जी, महिला जिलाध्यक्ष रीता रानी, मीना सिन्हा, सुनीता सिन्हा, विपिन सिन्हा, विशाल कुमार सिन्हा, आनंद प्रकाश, पिंटू सिन्हा, विशाल रंजन दफ्तुआर, अभिषेक भोलू, विभूति भूषण आदि मौजूद थे। ये आगमन हुआ है, क्या संदेश लेकर के हैं, क्या यहाँ पर मंच संदेश दी जा रही है? उसको सर ऑफ रहने दीजिए, आवाज़ इको हो जाता है। इस मंच के माध्यम से क्या समाज को संदेश दी जा रही है, क्या कार्यक्रम चल रहा है? अभी जो गया में ये कार्यक्रम हो रहा है, और ये कार्यक्रम हमारा जो अखिल भारतीय कैश महासभा संगठन है 1887 के संगठन है, और इसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं वो रह चुके हैं। और गया में अभी जो संगठन की विस्तार, हालांकि संस्थाएँ 1887 से चल रही है, लेकिन अभी जो उपस्थिति है हमारे जिला अध्यक्ष माननीय बड़े भाई मोहन श्रीवास्तव जी है, यहाँ पे उपस्थित है, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है और संगठन विस्तार पे ये कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि हमारे बीच में गया से ही विश्व प्रसिद्ध हमारे रंजीत वर्मा जी थे, उनको सम्मानित करने के लिए भी ये कार्यक्रम रखा गया था। और मुख्य किनका आज अभिनंदन किया गया? आज अखिल भारतीय कैश महासभा की ओर से रंजीत वर्मा जी और मुझे भी, चूँकि जदयू में जिलाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ के बनाए गए और ही साथी हैं, सभी साथी का अखिल भारतीय कैश महासभा की गया जिला इकाई की तरफ से सभी लोगों का अभिनंदन किया गया, और इसके संगठन के विस्तार पर भी चर्चा की गई, और संगठन विस्तार हेतु अनेक लोगों को भी पदभार दिया गया, जिसमें मुझे भी महानगर युवा प्रकोष्ठ के अखिल भारतीय कैश महासभा का अध्यक्ष बनाया गया। इसके लिए मैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, हमारे युवा विंग के प्रदेश के अध्यक्ष आए हुए हैं, सभी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें आज गया के पावन धरती पर अखिल भारतीय कैश महासभा के युवा संभाग के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनीष आनंद और बिहार प्रदेश के युवा संभाग के माननीय अध्यक्ष कुमार रोहित जी, युवा महिला और मुख्य संगठन का विस्तार, पदाधिकारियों के मनोयन, अधिसूचना और घोषणा, तथा प्रोफेसर रंजीत वर्मा जो मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति और कई संस्थाओं में साइंटिस्ट के रूप में और वर्तमान समय में विदेश के कई संस्थाओं से उन्हें प्रोत्साहित और सम्मानित किया गया, उनका भी सम्मान समारोह, गौरव जी युवा जदयू के अध्यक्ष बनाए गए उनको भी सम्मान, और विशाल सिन्हा जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए उनको भी सम्मान, इत्यादि से संबंधित सांगठनिक रूप से यह कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसमें भव्य रूप से चित्रांश भाइयों ने भाग लिया। उसमें हमारे बड़े भाई आदरणीय विकास दत्तवार जी, मंचा सिंह हैं जो दिव्यांग हैं परंतु इनकी जिज्ञासा
इनकी चंचलता, इनके परिश्रम, इनके कार्य ऐसे हैं।